हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे गुजरात के द्वारका मंदिर के बारे में, जहां अभी लेटेस्ट मंदिर के ध्वज पर बिजली गिरी। मंदिर के ध्वज दंड पर बिजली गिरी और लोगों ने कहा कि यह चमत्कार है। द्वारकाधीश ने द्वारका की नगरी की रक्षा की। तो आइए आज अपन जानते हैं कि द्वारकाधीश के जो ऊपर ध्वज दंड पर बिजली गिरी, उस ध्वज का क्या रहस्य है और उस ध्वज की क्या कहानी है, उस ध्वज को कितनी बार बदला जाता है और उस ध्वज को कौन बदलता है और उस ध्वज को कौन देता है बदलने के लिए, उसके बारे में आज अपन जानेंगे। आइए देखते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के ध्वज की कहानी और जहां बिजली गिरी, उसके बारे में आज अपन जानेंगे। देखिए, यह मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख धाम में से एक गिना जाता है। द्वारका गुजरात का मंदिर है। द्वारकाधीश आप जानते होंगे, ये हिंदू धर्म के अपने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चार धर्मों में से एक धर्म माना गया, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका, ये चार धाम हिंदू धर्म में बहुत बड़े धाम माने गए। तो इसके बारे में, इस धाम के बारे में आप जानते होंगे, इसके बारे में अपन जानेंगे, ध्वज के बारे में अपन जानेंगे। आइए देखते हैं। इस ध्वज को दिन में 5 बार बदला जाता है। जो द्वारकाधीश के ऊपर जो ध्वज लगा हो, उसको दिन में 5 बार बदला जाता है, ठीक है। और उसको एक तो सुबह 7:30 बजे बदला जाता है, फिर श्रृंगार के टाइम 10:30 बजे बदला जाता है, फिर मंगला आरती होती है 11:30 बजे उस वक्त बदला जाता है, और फिर संध्या आरती होती है 7:45 तब बदला जाता है, फिर शयन आरती होती है 8:30 बजे फिर बदला जाता है। अब इस ध्वज को देख लो आप, 5 बार इस ध्वज को बदला जाता है। और इसकी द्वारकाधीश मंदिर की पूजा गुगली ब्राह्मण करते हैं। जो वहाँ के गुगली ब्राह्मण हैं, वो द्वारकाधीश मंदिर की जो मूर्ति है उनकी पूजा करते हैं। अब उस ध्वज को कौन चढ़ाते हैं, ये देखिए। उस ध्वज को द्वारका के अबोटी ब्राह्मण उस ध्वज को चढ़ाते हैं। श्रद्धालु ध्वज लाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं। फिर वहाँ से अबोटी ब्राह्मण लेके मंदिर के ऊपर चोटी पर जाते हैं, उस ध्वज दंड पर उस ध्वज चढ़ाते हैं। ध्वज चढ़ाना बड़ी सेरेमनी मानी जाती है। जो ध्वज जो श्रद्धालु स्पॉन्सर करते हैं, उसकी एक बड़ी सेरेमनी मानी जाती है। उस ध्वज को श्रद्धालु नाचते गाते उस ध्वज को लाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं और कहते हैं, भगवान हमारे अर्थवा स्वीकार करना। फिर उस ध्वज को जो अबोटी ब्राह्मण है, उस ध्वज को लेकर जाते हैं और मंदिर के शिखर पर जाते हैं और ध्वज दंड पर वो ध्वज चढ़ाते हैं। जो परिवार उस ध्वज को स्पॉन्सर करता है, वो नाचते गाते आते हैं और बड़े भगवान की लीला में आते हैं और भगवान को ध्वज अर्पित करते हैं। अब इस ध्वज को 52 गज का ध्वज क्यों कहा जाता है? द्वारकाधीश के मंदिर के ऊपर जो ध्वज चढ़ाया जाए, उसको 52 गज का ध्वज कहा जाता है। आखिर इसको 52 गज का ध्वज क्यों कहा जाता है, अभी अपन देखेंगे। इसकी 2 मान्यता है। पहली मान्यता कि द्वारका नगरी पर 52 प्रकार के यादवों का रास्ता। कहते हैं कि द्वारका जो नगरी थी, उसको 52 प्रकार के यादवों का रास्ता, उसमें एक बार अपने द्वारकाधीश भगवान भी थे, तो ऐसे मिला के 52 राजा थे, तो इसलिए उसको 52 गज का ध्वज भी कहा जाता है। एक दूसरी मान्यता भी है, देखिए। एक मान्यता और है, दूसरी मान्यता यह है, इसमें 12 राशि, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं और सूर्य चंद्र और द्वारकाधीश को मिलाकर 52 होते हैं। एक मान्यता यह भी है, 12 राशि, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं और सूर्य चंद्र और भगवान श्री द्वारकाधीश को मिलाकर 52 होते हैं, तो इनको भी मिलाकर 52 गज का कहा जाता है। तो इन सबको इसको एक प्रतीक के रूप में माना जाता है, इस 52 गज को, तो इसलिए इसको 52 गज का ध्वज कहा जाता है। और इस ध्वज पर खास सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक होता है। अब आप कहोगे, सर इसमें सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक क्यों होता है? उस ध्वज के ऊपर सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक होता है। अब सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक इसलिए होता है कि जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे, तब तक श्री द्वारकाधीश का नाम रहेगा इस द्वारका नगरी में, इस दुनिया में, इसलिए उस ध्वज पर सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक होता है। इसकी खासियत होती है, इस ध्वज की खासियत होती है, आप देखना, जैसे अपने जगन्नाथ मंदिर पर जो
ध्वज होता है वो हवा के हमेशा विपरीत दिशा में उड़ता है, लेकिन ये ध्वज, ये ध्यान रखना, द्वारकाधीश मंदिर का ध्वज हमेशा इसके चाहे हवा की चाहे जो भी दिशा हो, लेकिन ये सिर्फ पश्चिम से पूर्व की ओर ही लहराता है। ये पॉइंट नोट करने की बात है, जब वहाँ द्वारकाधीश मंदिर पर हवा किसी भी दिशा से चल रही है उस ध्वज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ध्वज हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ही लहराता है। ये भगवान का चमत्कार देखिए आप द्वारका की नगरी में। और इस ध्वज को जो श्रद्धालु हैं वो चढ़ाते हैं, इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है। अभी ऑनलाइन बुकिंग देखिए आप, इस ध्वज को चढ़ाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग 2023 तक, मतलब 2023 तक इसकी बुकिंग फुल हो चुकी है। 2023 तक लोग इसको चढ़ाने के लिए ऑनलाइन अपने फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, और अभी 6 महीने के लिए बुकिंग बंद कर दी गई है, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा समय के लिए बुकिंग नहीं करते, तो 2023 तक इसकी बुकिंग बंद कर चुके हैं। अब जो अभी बिजली गिरी थी इस मंदिर पर, उसको मंदिर पे कोई नुकसान नहीं हुआ था। अभी जो लेटेस्ट आपने सोशल मीडिया पे वीडियो पे वायरल हुआ वो देखा होगा, जो मंदिर के जो ध्वज दंड पर बिजली गिरी थी, मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहाँ के SDM ने भी कहा था कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, पुरातत्व विभाग को सूचित किया गया, वो आए हैं और देखा है मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ ध्वज दंड को नुकसान हुआ है, जो ध्वज दंड बदल दिया गया है, जो वो ध्वज दंड मैं बता रहा हूँ आपको, और जो ध्वज था उसका थोड़ा सा हिस्सा नुकसान हुआ है उसको बदल दिया गया। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो चमत्कार है द्वारकाधीश का, ये चमत्कार होगा। और जो ये जो 52 गज का ध्वज है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।